जिला अस्पताल में व्याप्त अनियमितताओं के खिलाफ कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष भगवत सिंह डसीला व पूर्व विधायक ललित फरसौन तथा महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष गोपा धपोला के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि जिला अस्पताल आम जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पा रहा है, जिस कारण मरीजों को इलाज के लिए बाहरी जिलों में ले जाना मजबूरी हो गई है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि जन औषधि केंद्र बंद रहता है तथा वहाँ पर दवाओं का भी अभाव बना हुआ है, अल्ट्रासाउंड सेवा भी लोगों को नहीं मिल पा रही है। साथ ही महिला चिकित्सालय के अस्तित्व को समाप्त करने से महिलाओं को चिकित्सकीय सुविधा का लाभ नहीं मिल पा रहा है। कांग्रेस ने जिलाधिकारी से मुलाकात करते हुए पूरे मामले की मजिस्ट्रेटी जांच करने की मांग की है। इधर जिलाधिकारी अनुराधा पाल ने कांग्रेस को कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। आज समस्त कांग्रेस जन जिला कांग्रेस कमेटी के आह्वान में जो जिला अस्पताल में गड़बड़ियाँ हुई है उसकी जाँच कराने को हमने DM मैडम को ज्ञापन दिया है, जिसमें अल्ट्रासाउंड का जो है एक मामला सामने आया है। तो DM साहब ने एक हमको आश्वासन दिया है कि मैं इसमें जांच कराऊंगी और जो भी दोषी होगा इसके खिलाफ मैं कार्रवाई करूँगा। ना पूर्व में हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भगत डसीला द्वारा अस्पताल की अनियमितताओं के संबंध में अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ वहाँ पर आंदोलन किया था। बहुत सारी वित्तीय अनियमितताएँ जो वहाँ पर हमको देखने को मिली, उसी के संबंध में आज जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में हम सब लोग जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देने आए हैं। और जिस प्रकार से अल्ट्रासाउंड में, रजिस्ट्रेशन में, दूसरी अन्य चीज़ों की गंभीर अनियमितताओं की व्यापक भ्रष्टाचार की बात हमने जिलाधिकारी के सामने रखी है, तो उन्होंने हमको आश्वस्त किया कि हम लोग कहीं ना कहीं मजिस्ट्रेटी जांच करा के इसको दूध का दूध पानी का पानी करेंगे। और हमको विश्वास है कि जिला प्रशासन त्वरित गति से कार्रवाई करके जो है ज़रूरतमंद लोगों को जो है उसका लाभ देने की पूरी कोशिश करें। तो जिलाधिकारी महोदय ने बहुत अच्छे ढंग से सुझाव सुने हैं और जिस प्रकार से हमने जिला चिकित्सालय और महिला चिकित्सालय और देश चिकित्सालय की वहाँ पर बात रखी, उसमें बड़ी गंभीरता से, क्योंकि शासन स्तर पर भी ये बहुत सारे प्रकरणों की जानकारी शासन के अधिकार उच्च अधिकारी को भी है और प्रशासन को भी है, तो हमको जिस प्रकार से आश्वस्त किया है, हमको पूरा विश्वास है कि एक नई दिशा में जिलाधिकारी महोदय जो है काम करेंगी। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो हमारी बहन है या हमारे बुजुर्ग यहाँ के ज़रूरतमंद हैं, उनको जरूर जो है इनकी कल्याणकारी योजनाओं का जरूर लाभ मिलेगा। जिला अस्पताल में हमारी कई कार्यप्रणाली पर हमारा क्वेश्चन जो है CMS की कार्यप्रणाली पर है, वहाँ पर उनके होते हुए क्यों इतनी दिक्कतें आ रही हैं, क्यों इस तरीके के कार्य हो रहे हैं, सीधा सीधा हमारा उनसे सवाल था, मगर वो वहाँ पर हमारा समाधान नहीं कर पाए, हमारे सवालों का जवाब वहाँ पर नहीं दे पाए। अल्ट्रासाउंड में हो रही गड़बड़ी, अल्ट्रासाउंड तो एक मुद्दा है और डिपार्टमेंट भी है और उनमें भी दिक्कत हो रही है और जो उसकी उसमें, तो हम लोग प्रत्येक में अब ध्यान आकर्षित हम जिलाधिकारी महोदया का कर रहे हैं कि आपके जिला अस्पताल में ऐसी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है लोगों को। और साथ ही मैं कहूँगी कि जैसे कपकोट में महिला डॉक्टर नहीं है, कांडा में महिला डॉक्टर नहीं है, बागेश्वर में ही एकमात्र हमारा प्रसव का केंद्र यहाँ पर बना हुआ है, तो गर्भवती महिलाएँ भी आती हैं और अल्ट्रासाउंड भी इसी बागेश्वर में है, तो भारी संख्या में यहाँ पर लोग आते हैं, तो इस तरीके की दिक्कत अगर लोगों को उठानी पड़ेगी तो कहीं ना कहीं हमारे जनपद के जनप्रतिनिधियों की, हमारे जनपद के अधिकारियों की नाकामी के कारण हमारी जनता को परेशान होना होगा। आज यहाँ पर जैसा मामला हमने 2 दिन पहले हम जिला अस्पताल में गए थे तो वहाँ अल्ट्रासाउंड में जो अनियमितता पाई गई थी उसी मामले को लेकर आज यहाँ पर जिला अधिकारी महोदय के पास हम आए हैं कि जो अल्ट्रासाउंड में जो अनियमितताएँ पाई गई हैं, जो वहाँ पर जनता से जो पैसा लिया जा रहा है वो सरकारी कोष में जमा होने के बजाय निजी लोग उसको अपने जेब में डालने का जो काम कर रहे हैं उस पर ही कार्रवाई करने के लिए यहाँ आज माननीय जिलाधिकारी महोदय को हमने एक ज्ञापन दिया है। और यही मामले बागेश्वर जिले के अन्य अस्पतालों में भी चल रहे हैं और कहीं कहीं पर तो जैसे गरुड़ की ही बात करें, गरुड़ हॉस्पिटल में भी यही स्थिति है, वहाँ भी सेम कंडीशन चल रही है जैसा कि यहाँ बागेश्वर में पाई गई अनियमितता, वही अनियमितता गरुड़ हॉस्पिटल में भी है। तो दोनों जगहों पर जांच कराने के लिए मैडम ने आश्वासन दिया है और आज ही जांच कमेटी गठित कर दी गई है और जल्द ही इन पर कार्रवाई होगी, यही उम्मीद के आप मैं आपका ज्ञापन दिया। देखिए सर, आज हमारे सारे समस्त कांग्रेस जन यहाँ पर जो जिला अस्पताल में वर्तमान में जो अनियमितता हो रही है, ये तो पूर्वज भी हुई थी, ये हर गाँव वासियों के दिलों दिमाग में भी थी बात, तो इसको हमने जिला कांग्रेस कमेटी को ये मुद्दा लेके यहाँ पर आज हमने ज्ञापन दिया माननीय जिलाधिकारी महोदय को कि इसमें निष्पक्ष जांच हो। मैं तो ये कह रहा हूँ कि एक ही है अल्ट्रासाउंड की जांच में हो,
पैथोलॉजी की जांच हो, जहां ब्लड टेस्टिंग का जांच हो, और दवा बाहर से जो लिखी जा रही है, हमारे एक विषम परिस्थिति में हमारा बागेश्वर जिला है, बहुत गरीब तबके के लोग हैं, उनको ये सुविधा नहीं दी जा रही इस जिला अस्पताल से। उनको जो या तो कोई संगीन बीमार हो गया तो उसको रेफर किया जा रहा है, और कोई गरीब आदमी आयुष्मान कार्ड ला रहा तो उसके लिए दवा फिर भी बाहर से लिख दे रहे हैं यहाँ के डॉक्टर लोग। तो ये सब विषमता हो रही है। तो हमने जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से आज ज्ञापन माननीय जिलाधिकारी महोदय को दे रखा है कि ये अल्ट्रासाउंड और पैथोलॉजी जांच और ब्लड ग्रुप जहाँ से भी जांच होता है, ये इनकी सब जो भी जिला स्तर में अनियमितता हो रही है इसकी निष्पक्ष जांच हो। अगर इसमें निष्पक्ष जांच नहीं होती है तो समस्त जिला कांग्रेस कमेटी और के संग हम जिला कार्य स्थल के सामने धरने और प्रदर्शन में रहेंगे, इनके खिलाफ आंदोलन करेंगे। समस्त कांग्रेस जन जो है जिला अस्पताल में जो अल्ट्रासाउंड में हो रही वित्तीय अनियमितता है उसके संबंध में हम एक प्रोटेस्ट करने के लिए यहाँ पर आए, जिसमें हमने जिलाधिकारी महोदय को एक ज्ञापन दिया और जिसमें हमने ये कहा कि इसमें मजिस्ट्रेटी जांच होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर को गरीब लोग जो जाते हैं और उन लोगों से जो पैसा लिया जाता है उसका उल्लेख न रजिस्टर में होता है, न उसके बदले अवज में उसके बिल दिया जाता है, बिल रसीद दी जाती है, और सीधे पैसा जो है अपने जेब में डाला जाता है। इसलिए कहीं ना कहीं ये वित्तीय अनियमितता को दर्शाता है और जो कि बहुत बड़ा घपला है। इस वजह से हम लोग सारे कांग्रेस जन यहाँ पर आकर के इस बात को अपनी रखने के लिए आए हुए हैं। मजिस्ट्रेट ही जांच के लिए उन्होंने मैडम ने लिख दिया है कि तुरंत इसको जो है हम मजिस्ट्रेट जांच करके दोषियों को सजा देने का काम करेंगे। पिटरी में कुछ कमियां पाई गई होंगी कि अल्ट्रासाउंड में है कि उनका रजिस्टर में जो एंट्री मिली है वो रजिस्ट्रेशन में जो एंट्री मिली है वो बिलिंग एंट्री से मैच नहीं कर रही है, ये उन्होंने कुछ एलिगेशन लगाए हैं, तो उसके लिए ये जांच की डिमांड कर रहे हैं। तो ये अच्छी बात भी है कि अगर कुछ अनियमितताएं हैं तो उनकी जांच होना बहुत आवश्यक है। तो ये जांच हम SDM की अध्यक्षता में एक कमेटी के माध्यम से इस जांच को कराएंगे। अगर कोई भी कमियां पाई जाती हैं या जो भी इसके लिए जिम्मेदार है उस पर ज़रूर कार्रवाई की जाएगी। हाँ, जो उनके द्वारा सुझाव दिए गए वो ऑलरेडी पाइपलाइन में है। उनके द्वारा सुझाव दिया गया है कि यहाँ पर एक जिला अस्पताल, एक क्योंकि ये पुराना CHC को ही अपग्रेड करके जिला अस्पताल बनाया गया, तो एक जिला अस्पताल बनाए जाने की अत्यंत आवश्यकता है। तो वो ऑलरेडी खोली में हमने प्रस्तावित कर लिया है कि एक जिला अस्पताल बनाया जाए। दूसरा, डायलिसिस यूनिट को बढ़ाने की मांग की गई है। वो सब जानते ही यहाँ पर बहुत ज़्यादा 32-32 तक भी वेटिंग है, तो यहाँ आवश्यकता है, तो उसके लिए भी हम लोगों ने प्लान कर लिया है और डिमांड भी शासन को प्रेषित की है। तो इस तरह के उन्होंने सुझाव दिए जो ऑलरेडी प्रशासन उस पर कार्रवाई कर रहा है। देखिए, उसके बारे में जब आपने बताया, लेकिन अभी हमें कोई ऐसा सबूत या कोई ऐसा किसी ने, हमने बार बार जितने भी मरीजों से हैं, जितनों से भी पूछा है, किसी ने हमें नहीं गवाही दिया है कि ये हमें ज़बरदस्ती ले गए हैं। जब कुछ हमारे पास कुछ पुख्ता सबूत होगा तभी हम उस पर कार्रवाई कर सकते हैं, या तो हमारे पास कोई एविडेंस होना चाहिए। हमने जाँच भी कराई एक बार इसकी, और कॉन्ट्यूट बना के जांच भी कराई है, तो कोई सामने नहीं आया। भविष्य में भी अगर कोई सामने आता है या हमें बिल्कुल पुख्ता सबूत मिलता है, निसंदेह उस पर कार्रवाई करेंगे। हम उसको कार्रवाई से उसको नहीं बचने देंगे। CCN न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, बागेश्वर।